ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री मार्कंडेय महापुराण। पिता पुत्र संवाद का आरंभ। जीवन की मृत्यु तथा नरक गति का वर्णन। जैमिनी ने पूछा, हे श्रेष्ठ पक्षियों, प्राणियों की उत्पत्ति और लय कहाँ होते हैं? इस विषय में मुझे संदेह है। मेरे प्रश्न के अनुसार आप लोग इसका समाधान करें। जीव कैसे जन्म लेता है, कैसे मरता है और किस प्रकार गर्भ में पीड़ा सहकर माता के उदर में निवास करता है, फिर गर्भ से बाहर निकलने पर वह किस प्रकार बुद्धि को प्राप्त होता है और मृत्यु काल में किस तरह चैतन्य स्वरूप के द्वारा शरीर से विलग होता है। सभी प्राणी मृत्यु के पश्चात पुण्य और पाप दोनों का फल भोगते हैं, किंतु वे पुण्य और पाप किस प्रकार अपना फल देते हैं, ये सारी बातें मुझे बताइए, जिससे मेरा सब संदेह दूर हो जाए। पक्षी बोले, हे महर्षि, आपने हम लोगों पर बहुत बड़े प्रश्न का भार रख दिया, इसकी कहीं तुलना नहीं है। हे महाभाग, इस विषय में एक प्राचीन वृत्तांत सुनिए। प्राचीन काल में एक परम बुद्धिमान भृगुवंशी ब्राह्मण थे। उनके सुमति नाम का एक पुत्र था। वह बड़ा ही शांत और जड़ रूप में रहने वाला था। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उस बालक से उसके पिता ने कहा, हे सुमते, तुम सभी वेदों को क्रमशः आद्योपांत पढ़ो, गुरु की सेवा में लगे रहो और भिक्षान्न का भोजन किया करो। इस प्रकार ब्रह्मचर्य की अवधि पूरी करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और वहाँ यज्ञों का अनुष्ठान करके अपने मन के अनुरूप संतान उत्पन्न करो। तदनंतर वन की शरण लो और वानप्रस्थ के नियमों का पालन करने के पश्चात परिग्रह रहित सर्वस्व त्यागी सन्यासी हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें ब्रह्मा की प्राप्ति होगी। वहाँ जाकर तुम शोक से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार अनेकों बार कहने पर भी सुमति जड़ होने के कारण कुछ भी नहीं बोलता था। पिता भी स्नेहवश बारंबार अनेक प्रकार से ये बातें उसके सामने रखते थे। उन्होंने पुत्र प्रेम के कारण मीठी वाणी में अनेक बार उसे लोभ दिखाया। इस प्रकार उनके बार बार कहने पर एक दिन सुमति ने हंसकर कहा, हे पिताजी, आज आप जो उपदेश दे रहे हैं उसका मैंने बहुत बार अभ्यास किया है। इसी प्रकार दूसरे दूसरे शास्त्रों और भांति भांति की शिल्प कलाओं का भी अध्ययन किया है। इस समय मुझे अपने 10,000 से भी अधिक जन्म स्मरण हो आए हैं। खेद, संतोष, क्षय, वृद्धि और उदय का भी मैंने बहुत अनुभव किया है। शत्रु, मित्र और पत्नी के संयोग वियोग भी मुझे देखने को मिले हैं। अनेक प्रकार के माता पिता के भी दर्शन हुए हैं। मैंने हजारों बार सुख और दुख भोगे हैं। कितनी ही स्त्रियों के विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गर्भ में निवास किया है। सहस्त्रों प्रकार के रोगों की भयानक पीड़ाएं सहन की है। गर्भावस्था में मैंने जो अनेकों प्रकार के दुख भोगे हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापे में जो भी कलेश सहन किए हैं, वे सब मुझे याद आ रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की योनि में, फिर पशु, मृग, कीट और पक्षियों की योनियों में तथा राज्य सेवकों एवं युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले राजाओं के घरों में भी मेरे कई बार जन्म हो चुके हैं। इसी तरह अब की बार आपके घर में मैंने जन्म लिया है। मैं बहुत बार मनुष्यों का भृत्य, दास, स्वामी, धनी और दरिद्र रह चुका हूँ। दूसरों ने मुझे और मैंने दूसरों को अनेक बार दान दिए हैं। पिता, माता, सुहृद्र, भाई और स्त्री इत्यादि के कारण कई बार संतुष्ट हुआ हूँ और कई बार दीन होकर रोते हुए मुझे आंसुओं से मुंह धोना पड़ा है। हे पिताजी, यूं ही इस संसार चक्र में भटकते हुए मैंने अब वह ज्ञान प्राप्त किया है जो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। उस ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर अब यह ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद समस्त क्रियाकलाप गुण शून्य दिखाई देने के कारण मुझे अच्छा नहीं लगता। अतः जब ज्ञान प्राप्त हो गया तब
वेदों से मुझे क्या प्रयोजन है? अब तो मैं गुरु विज्ञान से परित्रप्त निरीही एवं सदात्मा हूँ। अतः छह प्रकार के भाव विकार, जन्म, सत्ता, बुद्धि, परिणाम, क्षय और नाश, दुख सुख, हर्ष रोग तथा संपूर्ण गुणों से वर्जित उस परम पद रूप ब्रह्म को प्राप्त होऊंगा। हे पिताजी, जो रोग, हर्ष, भय, उद्वेग, क्रोध, अमर्ष और वृद्धावस्था से व्याप्त है तथा कुत्ते, मृग आदि की योनि में बांधने वाले सैकड़ों बंधनों से युक्त है, उस दुख की परंपरा का परित्याग करके अब मैं चला जाऊंगा। पुत्र की यह बात सुनकर महाभाग पिता का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने हर्ष और विस्मय से गदगद वाणी में अपने पुत्र से कहा, हे बेटा, तुम क्या कहते हो? तुम्हें कहाँ से ज्ञान प्राप्त हो गया? पहले तुमने जड़ता क्यों की और इस समय तुमने ज्ञान कहाँ से जाग उठा? क्या यह मुनियों अथवा देवताओं के दिए हुए श्राप का विकार था जिससे पहले तुम्हारा ज्ञान छिप गया था और इस समय पुनः प्रकट हो गया? मैं यह सारा रहस्य सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कुतूहल है। हे बेटा, तुम पर पहले जो कुछ बीत चुका है वह सब मुझे बताओ। पुत्र ने कहा, हे पिताजी, मेरा जो यह सुख और दुख देने वाला पूर्व वृतांत है उसे सुनिए। इस जन्म के पहले पूर्व जन्म में मैं जो कुछ था वह सब बताता हूँ। पूर्व काल में मैं परमात्मा के ध्यान में मन लगाने वाला एक ब्राह्मण था। आत्मविद्या के विचार में मैं पराकाष्ठा को पहुंचा हुआ था। मैं सदा योग साधना में संलग्न रहता था। निरंतर अभ्यास में लगने, सत्पुरुषों का संग करने, अपने स्वभाव से ही विचार परायण होने, तत्वमसी आदि महाभारतों के विचारने और तत्व पदार्थ के शोधन करने आदि के कारण उस परमात्मा तत्व में ही मेरी परम प्रीति हो गई। फिर मैं शिष्यों के संदेह का निवारण करने वाला आचार्य बन गया। फिर बहुत समय के पश्चात मैं एकांत सेवी हो गया, किंतु व्यवहार अज्ञान से सद्भाव का नाश हो जाने के कारण प्रमाद में पड़कर मेरी मृत्यु हो गई। तथापि मृत्यु काल से लेकर अब तक मेरी स्मरण शक्ति का लोप नहीं हुआ। मेरे जन्मों के जितने वर्ष बीत गए हैं उन सबकी स्मृति हो आई है। हे पिताजी, उस पूर्व जन्म के अभ्यास से ही जितेंद्रिय होकर अब फिर मैं वैसा ही प्रयत्न करूँगा जिससे भविष्य में फिर मेरा जन्म ना हो। मैंने जो दूसरों को ज्ञान दिया था उसी का यह फल है कि मुझे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो रहा है। केवल कर्म कांड का सहारा लेने वाले मनुष्यों को इसकी प्राप्ति नहीं होती। अतः मैं इस प्रथम आश्रम से ही संन्यास धर्म का आश्रय ले एकांत सेवी हो आत्मा के उद्धार के लिए यत्न करूँगा। अतः हे महाभाग, आपके हृदय में जो संशय है उसे कहिए, मैं समाधान करूँगा। इतनी सी सेवा से भी आपकी प्रसन्नता का संपादन करके मैं पिता के ऋण से मुक्त हो सकूँगा। पक्षी कहते हैं, तब पुत्र की बात पर श्रद्धा करते हुए पिता ने उससे वही बात पूछी जो आपने अभी संसार में जन्म ग्रहण करने के संबंध में हम लोगों से पूछी है। पुत्र ने कहा, हे पिताजी, जिस प्रकार मैंने तत्व का बारंबार अनुभव किया है उसे बतलाता हूँ, सुनिए। यह क्षणभंगुर संसार चक्र प्रवाह रूप से अजर है, निरंतर चलते रहने वाला है, कभी स्थिर नहीं रहता। हे तात, आपकी आज्ञा से मैं मृत्यु काल से लेकर अब तक की सब बातों का वर्णन करता हूँ। शरीर में जो गर्मी या पित्त है वह तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित हो जाता है उस समय बिना ईंधन के ही उद्दीप्त हुई अग्नि की भांति बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। तत्पश्चात उदान नामक वायु ऊपर की ओर उठती है और खाए पिए हुए अन्न जल को नीचे की ओर जाने से रोक देती है। उस आपत्ति की अवस्था में भी उसी को प्रसन्नता रहती है जिसने पहले जल, अन्न एवं रस का दान किया है। जिस पुरुष ने श्रद्धा से पवित्र किए हुए अंतकरण के द्वारा पहले अन्न दान किया है
वह उस रुग्णावस्था में अन्न के बिना भी तृप्ति लाभ करता है। जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, दो प्रेमियों के पारस्परिक प्रेम में बाधा नहीं डाली तथा जो आस्तिक और श्रद्धालु है, वह सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते हैं, किसी की निंदा नहीं करते तथा सात्विक, उदार और लज्जाशील होते हैं, ऐसे मनुष्यों को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जो कामना से, क्रोध से अथवा द्वेष के कारण धर्म का त्याग नहीं करता, शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाला तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी सुख से होती है। जिन्होंने कभी जल का दान नहीं किया है, उन मनुष्यों को मृत्युकाल उपस्थित होने पर अधिक जलन होती है तथा अन्न दान न करने वालों को उस समय भूख का भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़े के दिनों में लकड़ी दान करते हैं, वे शीत के कष्ट को जीत लेते हैं। जो चंदन दान करते हैं, वे ताप पर विजय पाते हैं तथा जो किसी जीव को उद्वेग नहीं पहुंचाते, वे मृत्यु काल में प्राण घातिनी वेदना का अनुभव नहीं करते। मोह और अज्ञान फैलाने वाले लोग महान भय को प्राप्त होते हैं। नीच मनुष्य तीव्र वेदनाओं से पीड़ित होते रहते हैं। जो झूठी गवाही देते, झूठ बोलते, बुरी बातों का उपदेश देते और वेदों की निंदा करते हैं, वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर अर्थात कष्ट भोगते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु के समय यमराज के दूत हाथों में हथौड़ी एवं मुद्गर लिए आते हैं। वे बड़े भयंकर होते हैं और उनकी देह से दुर्गंध निकलती रहती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है और भ्राता, माता और पुत्रों का नाम लेकर बारंबार चिल्लाने लगता है। उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझ में नहीं आती, एक ही शब्द एक ही आवाज से चाल पड़ती है। भय के मारे रोगी की आंखें झूमने लगती है, नेत्रों की ज्योति भी क्षीण हो जाती है। फिर वह अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर उस शरीर को छोड़ देता है और वायु के सहारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, जो रूप, रंग और अवस्था में पहले शरीर के समान ही होता है। वह शरीर माता पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं, कर्म जनित होता है और यातना भोगने के लिए ही मिलता है। तदनंतर यमराज के दूत शीघ्र ही उसे दारुण पाशों से बांध लेते हैं और डंडों की मार से व्याकुल करते हुए दक्षिण दिशा की ओर खींच ले जाते हैं। उस मार्ग पर कहीं तो कुश जमे होते हैं, कहीं कांटे फैले होते हैं, कहीं बांबी की मिट्टियां जमी होती है, कहीं लोहे की कीलें गड़ी होती है और कहीं पथरीली भूमि होने के कारण वह पथ अत्यंत कठोर चाल पड़ता है। कहीं जलती हुई आग की लपटें मिलती है तो कहीं सैकड़ों गड्ढों के कारण यह मार्ग अत्यंत दुर्गम प्रतीत होता है। कहीं सूर्य उतने तपते हैं कि उस राह से जाने वाला जीव उनकी किरणों से जलने लगता है। ऐसे पथ से यमराज के दूत उसे घसीट कर ले जाते हैं। वे दूत घोर शब्द करने के कारण अत्यंत भयंकर जान पड़ते हैं। जिस समय वे जीव को घसीट कर ले जाते हैं, सैकड़ों गीदड़ियां जुटकर उसके शरीर को नोच नोच कर खाने लगती है। पापी जीव ऐसे ही भयंकर मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। जो मनुष्य छाता, जूता, वस्त्र और अन्न दान करने वाले मनुष्य हैं, वे उस मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के कष्ट भोगता हुआ पाप पीड़ित जीव विवश होकर 12 दिनों में धर्मराज के नगर तक पहुंचाया जाता है। उसके यातनामय शरीर के जलाए जाने पर जीव स्वयं भी अत्यंत दाह का अनुभव करता है। उसी प्रकार मारे और काटे जाने पर भी उसे अत्यंत भयंकर वेदना होती है। अधिक देर तक जल में भिगोए जाने के कारण भी जीव को भारी कष्ट झेलना पड़ता है। इस प्रकार दूसरे शरीर को प्राप्त होने पर भी उसे अपने कर्मों के फलस्वरूप कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसके भाई बंधु जो तिल और जल की अंजलि देते तथा पिंड दान करते हैं, वही उस मार्ग पर जाते समय उसे खाने को मिलता है।
भाई बंधु यदि अशौच के भीतर तेल लगाए और उबटन लगवाए तो उसी से जीव का पोषण किया जाता है, अर्थात शरीर से उतरा हुआ वह मैल ही उन्हें खाना पड़ता है। इसी प्रकार बंधु बांधवगण जो कुछ खाते पीते हैं वह मृत जीव को मिलता है, अतः उन्हें भोजन की शुद्धि पर भी ध्यान रखना चाहिए। यदि भाई बंधु भूमि पर शयन करे तो उससे जीव को कष्ट नहीं होता, और यदि वे उसके निमित्त दान करे तो उससे मृत जीव को बड़ी तृप्ति होती है। यमदूत जब उसे साथ लेकर जाते हैं तो वह 12 दिनों तक अपने घर की ओर देखता रहता है। उस समय पृथ्वी पर उसके निमित्त जो जल और पिंड दिए जाते हैं उन्हीं का वह उपभोग करता है। मृत्यु से 12 दिन बीतने के पश्चात यमपुरी की ओर खींच कर ले जाया जाने वाला जीव अपने सामने यमराज के नगर को देखता है, जो बड़ा ही भयानक है। उस नगर में पहुंचने पर उसे मृत्यु, काल और अंतक आदि के बीच में बैठे हुए यमराज का दर्शन होता है, जो कज्जल राशि के समान काले हैं और अत्यंत क्रोध से लाल आंखें किए रहते हैं। दाढ़ों के कारण उनका मुख बड़ा विकराल दिखाई पड़ता है। टेढ़ी भौहों से युक्त उनकी आकृति बड़ी भयंकर है। वे गुरु, भीषण और टेढ़े मेढ़े सैकड़ों लोगों से घिरे रहते हैं। उनकी भुजाएं विशाल हैं। उनके एक हाथ में यमदंड और दूसरे में पाश है। देखने में वे बड़े भयानक प्रतीत होते हैं। पापी जीव उन्हीं की बताई हुई शुभाशुभ गति को प्राप्त होता है। झूठी दवाई देने और झूठ बोलने वाला मनुष्य रौरव नरक में जाता है। अब मैं रौरव का स्वरूप बताता हूँ, ध्यान देकर उसे सुने। रौरव नरक की लंबाई चौड़ाई 2000 योजन की है। वह एक गड्ढे के रूप में है जिसकी गहराई घुटनों तक की है। वह नरक अत्यंत कष्टकारक है। उसमें भूमि के बराबर अंगार राशि बिछी रहती है। उसके भीतर की भूमि महकते हुए अंगारों से बहुत कपी होती है। सारा नरक तीव्र वेग से प्रज्वलित होता रहता है। उसी के भीतर यमराज के दूत पापी मनुष्य को डाल देते हैं। वह धधकती हुई आग में जब जलने लगता है तो इधर उधर दौड़ता है, किंतु पग पग पर उसका पैर जल भुन कर राख होता रहता है। वह दिन रात में कभी एक बार पैर उठाने और रखने में समर्थ होता है। इस प्रकार सहस्त्रों योजन पार करने पर वह उसे मुक्त होता है। फिर दूसरे पापों की शुद्धि के लिए उसे वैसे ही अनेकों नरकों में जाना पड़ता है। इस प्रकार सब नरकों में यात्रा भोग कर निकलने के बाद पापी जी तिर्यग्योनि में जन्म लेता है। क्रमशः कीड़े मकौड़े, पतंगे, हिंसक जीव, मच्छर, हाथी, वृक्ष, अश्व तथा अन्य दुखदायी पाप योनियों में जन्म धारण करने के पश्चात वह मनुष्य योनि में आता है। उसमें भी वह कुरू, कुबड़ा, नाटा और चांडाल आदि होता है। फिर अवशिष्ट पाप और पुण्य से युक्त हो वह क्रमशः ऊंची चढ़ने वाली योनियों में जन्म लेता है। शूद्र, दैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, देवता तथा इंद्र आदि के रूप में उत्पन्न होता है। इस प्रकार पाप करने वाले जीव नरकों के नीचे गिरते हैं। अब पुण्यात्मा जीव जिस प्रकार यात्रा करते हैं उसको सुनिए। वे पुण्यात्मा मनुष्य धर्मराज की बताई हुई पुण्यमयी गति को प्राप्त होते हैं। उनके साथ गंधर्व गीत गाते चलते हैं, अप्सराएं नृत्य करती रहती हैं तथा वे भांति भांति के दिव्य आभूषणों से सुशोभित हो सुंदर विमानों पर बैठकर यात्रा करते हैं। वहाँ से पृथ्वी पर आने पर वे राजाओं तथा अन्य महात्माओं के कुल में जन्म लेते और सदाचार का पालन करते हैं। वहाँ उन्हें श्रेष्ठ भोग प्राप्त होते हैं। तदनंतर शरीर त्यागने के बाद वे पुनः स्वर्ग आदि ऊपर के लोकों में जाते हैं। ऊपर लोकों में होने वाली गति को आरोहणी कहते हैं। फिर वहाँ से पुण्य भोग के पश्चात जो मृत्यु लोक में उतरना होता है वह अवरोहणी गति है। इस अवरोहणी गति को प्राप्त होने पर मनुष्य फिर पहले की भांति आरोहणी गति को प्राप्त होते हैं।
हे ब्रह्मर्षि, जीव की जिस प्रकार मृत्यु होती है वह सब प्रसंग मैंने आपसे कह सुनाया। अब जिस तरह जीव गर्भ में आता है उस विषय का वर्णन सुनिए। पिता पुत्र संवाद का आरंभ, जीव की मृत्यु तथा नरक गति का वर्णन समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसी पुराण कथाओं का आनंद लेने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।